या रसूल अल्लाह, दुनिया की सारी नेमतें हमें अल्लाह ने अता की हैं, और जो सबसे कीमती दौलत है, जो सबसे अजीम नेमत है, वो ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान। और जो हमारे सीनों में ईमान की शमा हमारे हुजूर ने जलाई है, उसे दुनिया की कोई भी आंधी बुझा नहीं सकती, उसे दुनिया की कोई भी दौलत खरीद नहीं सकती, क्योंकि हमने खुद को बाजार मुस्तफा में बेच रखा। ए ए वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। और ऐसा क्यों ना हो कि हम जन्नत के बदले अपनी जान और माल को अल्लाह के हवाले कर दिया। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा। लहुमुल जन्नत, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों से जन्नत के बदले उनकी जान और माल को खरीद लिया है। और आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है? आइए मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा जब सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे खाने की प्लेट पर टूट पड़ेंगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त हम तादाद में बहुत कम होंगे? आका करीब ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हारी तादाद बहुत होगी, लेकिन तुम्हारे दिलों में वहन का मर्ज पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या होता है? आका करीम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। तो अगर हम दुनिया और आखिरत में अगर कामयाबी चाहिए तो अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में सुभान अल्लाह में दे दो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और हम अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं तो हमें हर हाल में अपने बच्चों को उम्दा तालीम और तरबियत देनी चाहिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده نحلا افضل من ادب حسن। والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز عمدہ تعلیم اور تربیت ہے। और आखिर में मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, हमारा मकसद खाली की इबादत, मखलूक की खिदमत। आप लोग भी मेरे साथ झूम कर बोलें, हमारा मकसद खाली की इबादत, मखलूक की खिदमत, हमारा मकसद खाली की इबादत, मखलूक की खिदमत। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आखिर में मैं एक मनकब सुनाना चाहता हूँ, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, कहा जिसने या गौसे गिस्नी तो दम में हराई मुसीबत कली गौसे आजम, न मांगू मैं तुमसे तो फिर किससे मांगू, कहीं और भी है
मर्तबा आला क्यों न हो मौला, तेरा मर्तबा आला क्यों न हो मौला, है तू रब का ऐसा वली हो से आजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह, वाह 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 बहुत अच्छे बेटा शाबाश। कदम गर्दने उलिया पर है तेरा, कदम गर्दने उलिया पर है तेरा, है तू रब का ऐसा वली हो से आजम। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेटा बैठ जाओ, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात देखिए।